जबलपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा सहारा कंपनी द्वारा निवेशकों के रुपए न लौटाने को जन आंदोलन किया गया। सोमवार को सिविक सेंटर में एक सभा का आयोजन किया गया, बाद में एक विशाल रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि कोरोना की मार झेल रहे लोगों को अभी तक सहारा फाइनेंस कंपनी ने रुपए नहीं लौटाए हैं। जो निवेशक सहारा के ऑफिस में रुपए लेने जाता है उसे भगा दिया जाता है। जबलपुर के अधिकांश लोगों ने सहारा में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। कांग्रेस जब तक आखिरी निवेशक का रुपया नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन करती रहेगी। आपको बता दें कि सेबी द्वारा सहारा के बैंक खातों को सील करने के बाद से निवेशकों के रुपए सहारा लौटा नहीं पा रहा है। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। आप करने का कितनी सफलता मिल रही है तुम्हें और कांग्रेस कहां तक जाएगी सवाई में? देखिए, बात सफलता असफलता की नहीं है, बात है जबलपुर शहर के निवेशकों की दर्द की। सफलता का आकलन आप आज जिस तरीके से जो निवेशक आए उनका आक्रोश देख के आप लगा सकते हैं। कितनी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में वह निवेशक आए थे। मंच के माध्यम से भी उनने अपनी पीड़ा व्यक्त करी, नेताओं के सामने भी रखी, आज प्रशासन के सामने भी रखी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा निरंतर सारा इंडिया की वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। ये श्रृंखलाबद्ध आंदोलन हम लोगों का निरंतर जारी है, जिसके तहत आज हम लोगों ने निवेशकों का सम्मेलन करा था। और वह सम्मेलन इसलिए करा था कि शहर के जो जवाबदार हैं उन तक इन निवेशकों की भावनाएँ पहुँचे, क्योंकि पूर्व में जब हमारे सांसद महोदय के पास ये निवेशक गए थे राकेश सिंह जी के पास, तो राकेश सिंह जी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि सारा में हमसे पूछ के पैसा जमा किया था। अगर वे निर्वाचित होने के बाद भी ऐसी बात अगर बंद कमरे में करते, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये भावनाएं सार्वजनिक पटल पर ये शहर भी सुने और प्रशासन भी सुने। आज हम लोगों ने वो कार्यक्रम करा, उसमें निवेशकों ने अपनी भावनाएं रखी। रैली के रूप में हम लोग यहाँ पर जिला अध्यक्ष महोदय के समक्ष यहाँ पहुँचे। जो नोडल अधिकारी हेमंत सिंह जी को नियुक्त किया गया इस पूरे मामले को, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया, कुछ हम लोगों ने सुझाव दिया कि किस तरीके से ये मामला सुलझाया जा सकता है, और उनको सरकार को भी आगाह करा है जिला प्रशासन के माध्यम से कि अगर आप इसमें हस्तक्षेप कर नहीं करते हैं, अगर आप इन निवेशकों का पैसा नहीं लौटवाने में मदद करते हैं, तो हमारा ये आंदोलन सहारा इंडिया के खिलाफ है ही, लेकिन उससे कहीं बड़ा आंदोलन हमारा प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा। क्योंकि प्रदेश सरकार अगर अपना मानस बनाए तो जिला प्रशासनिक स्तर पर ये मामले सुलझाए जा सकते हैं। सहारा का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर ज़मीनें ना हो, ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ निवेशक ना हो। वह जो ज़मीनें हैं उन निवेशकों से के पैसों से खरीदी गई है। अगर भुगतान करने में कोई समस्या जा रही है तो उस ज़मीन को बेच के वो भुगतान किया जा सकता है, और ये जवाबदारी उस भूगोलिक भाग के सरकारों की होती है। तो प्रदेश सरकार इसको करने का काम करे जिला प्रशासन के माध्यम से। ये तमाम सुझाव हम लोगों ने दिए और इनको आगाह भी किया है कि हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक जबलपुर के अंतिम निवेशक तक का भुगतान नहीं किया जाता। अगर ज़मीनों में नहीं मिलती है तो फिर क्या आप लोग स्वयं कब्जा करेंगे? देखिए, हमको जिस भी स्तर तक जाना पड़ेगा, अगर जिला प्रशासन उसको अच्छे से कर देता है तो ठीक, नहीं तो जो बात आपने बोली है उसमें भी कहीं कोई बेईमानी नहीं होगी। ये निवेशक उस ज़मीन पर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की वहाँ पर ज़मीन प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये वह निवेशक है जो चाट का ठेला लगाता है, जो सब्जी का ठेला लगाता है, पान की दुकान चलाता है, पंचर बनाता है, कोई प्रेस का काम करता है। अमूमन जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके निवेशक हैं वे गरीब परिस्थिति के हैं, और जब पेट पर लात पड़ती है तो आदमी क्रांति का रास्ता अपनाता है। अगर जिला प्रशासन इसमें अगर सहयोग नहीं करती है तो हमारा अगला आंदोलन यही होगा कि तेवर की जो जमीन है वो सहारा की नहीं है, इस निवेशक की है। इस आंदोलन के इस नारे के साथ कि यह जमीन तुम्हारी नहीं, यह जमीन हमारी है, इस आंदोलन के साथ हम लोग आगे बढ़ के इस मूवमेंट को चलाएंगे। तीन साल बाद उनको याद आया, डेढ़ साल से तो हम सरकार में नहीं है, डेढ़ साल से तो हम सरकार में नहीं है। बिकने वाले लोगों का कोई धीमान ईमान नहीं, दीदीमान नहीं होता है। वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, वो अपना खुद का आकलन करें। उनका नाम जब लिया जाएगा तब गद्दारों की लिस्ट में लिया जाएगा।